वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स. अभी हमने जो लेक्चर नंबर 5 के पार्ट 1 कंप्लीट किया और उसमें हमने आपका जो लेसन बुक 1 का है लेसन नंबर 2 सॉरी क्लियरिंग इन द स्काई उसके जो है एमसीक्यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके अलावा जनाब हमने पंक्चुएशन और ट्रू फॉल्स किए. तो इस वीडियो में जो उसका क्वेश्चन रह गया था क्वेश्चन आंसर वाला जो पार्ट रह गया था तो उसको हम सॉल्व करते हैं जी. इसमें आपके पास दो तरह के क्वेश्चंस हैं, आंसर द क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंसेस और दूसरा है जी राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो जो पंजाब बोर्ड या पिंडी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये जो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है ये आता है और जो फेडरल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये 5200 वर्ड्स वाला भी समटाइम्स आ जाता है. तो इसलिए हम पंजाब के और पिंडी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं. तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि ऊपर जो पार्ट 1 है इस क्वेश्चन का वो हम सॉल्व करेंगे जी. क्वेश्चन नंबर 3 जो है आंसर द क्वेश्चंस उसमें क्या है इन वन और टू सेंटेंसेस. तो पहला है जी व्हाई डिडंट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स के उस ओल्ड मैन ने बूढ़े आदमी ने जो डॉक्टर्स की नसीहत थी उस पर अमल क्यों ना किया. तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि डॉक्टर दे एडवाइज द ओल्ड मैन नॉट टू डू एनी वर्क और जबकि क्या था द ओल्ड मैन वांटेड टू फॉर्म द लैंड वो ज़मीन को ज़रखेज़ करना चाहता था उसको टच करना चाहता था. ही वांटेड टू स्मेल द रिच लोम और ही वांटेड टू डिग सॉइल और फिर कहते हैं ही वांटेड टू सिफ्ट इट थ्रू हिज फिंगर्स. तो ये सारी चीज़ें थी और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ही वांटेड टू रेज क्रॉप्स एंड ग्रो वेजिटेबल्स. तो ये भी सारी चीज़ें थी देयरफॉर हम कह सकते हैं ही डिड नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स. उसके बाद क्वेश्चन 2 है जी उसमें वो कहते हैं जी व्हाट हैड द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन के उस को यानी कि बूढ़े आदमी को डॉक्टरों ने क्या कहा था और क्या कहा था जैसा पहला आंसर है उसी से रिलेटेड ही है कि दे आस्क्ड हिम नॉट टू एनी वर्क और दे एडवाइज्ड हिम नॉट टू वॉक इवन द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक. ये भी उसने उन्होंने कहा था उसको और फिर एक और था कि दे एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट एंड इन्जॉय द फ्यू रिमेनिंग डेज ऑफ हिज लाइफ विद हिज फैमिली लेकिन उसने फिर भी उनकी नहीं मानी थी. उसके बाद वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन तो जो ओल्ड मैन था वो कहाँ पर उनको लेके गया था. तो इसका सिंपल सा आंसर है द हम कह सकते हैं कि द ओल्ड मैन हैड फॉर्म्ड अ पीस ऑफ लैंड ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन वहाँ पर जी ही हैड प्लांटेड पोटैटोज शम्स एंड टमाटोज और फिर जनाब ही वांटेड हिज सन टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स देयरफॉर ही टुक हिम हम कह सकते हैं के टू हिज फॉर्म. उसके बाद है जी हैड द सन एवर बीन देयर क्या अब मैंने आपको पहले भी एक मरतबा बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब्स से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनका आंसर करना बड़ा इजी होता है बिकॉज यू हैव टू आंसर इन येस और नो. तो लेकिन ये है कि अगर आप सिर्फ येस और नो लिखते हैं तो फिर आपको नंबर पूरे नहीं मिलते. तो फिर इसका यह है कि सेंटेंस आप कंप्लीट कर लिया करें. तो हैड द सन तो हम ये कह सकते हैं कि जी had the sun ever been there before been there क्या पहले वो वहाँ पर गया था. तो हम कह सकते हैं कि हम he had visited the mountain top many times in his life but he had not visited it for the last 3 years. तो ये हम इसका आंसर कर सकते हैं. उसके बाद है जी what were the names of the vegetables the old man grew on his farm. तो उसने जो फार्म पर वीडियो सॉरी वहाँ पर वेजिटेबल्स ग्रो की थी वो कौन कौन सी थी. तो हम कह सकते हैं द ओल्ड मैन हैड ग्रोन पोटैटोज शम्स एंड टमाटोज देयर और डजन और मोर रोज ऑफ टमाटोज वर ग्रोइंग देयर ये भी हमने पढ़ा था. और उसके अलावा हम कह सकते हैं हाफ और डजन रोज ऑफ यम्स वर ग्रोइंग अबाउट द रोज ऑफ टमाटोज ये भी उसका आंसर था एक. तो और फिर उसके ऊपर जो है एक उस पैराग्राफ में ये भी कहता है 3 dozen rows of potatoes were growing above the rows of yams यानी कि ऊपर नीचे ये सारी चीज़ें थी. तो ये अभी आप कर सकते हैं जी.
उसके बाद व्हाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ, तो अमूदी रास्ता उसने क्यों अपनाया, तो क्यों जी? द डॉक्टर, आपको पता है कि डॉक्टर हैड टोल्ड द ओल्ड मैन नॉट टू डू एनी वर्क बट ही कुड नॉट हेल्प क्लाइंबिंग द हिल्स, तो इसलिए हम कह सकते हैं फर्स्ट ही बिल्ट एन ईजी पाथ टू रीच द टॉप ऑफ माउंटेन, फिर द हेल्दियर द ओल्ड मैन बिकेम द स्टीपर पाथ ही बिल्ट, तो उस वक्त हम कह सकते हैं ही वॉन्टेड टू शो हिज सन दैट ही वॉज स्टिल एनर्जेटिक एंड हेल्दी, तो इस वजह से उसने वो रास्ता चूज़ किया था जी। फिर जी वाई डेड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राई, तो 6 साल की उम्र में वो बच्चा क्यों चिल्लाया जी? हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, वन जिस वॉज 6 years old हिज फादर मेड हिम अ लिटल वुडन प्लो, और फिर हम कह सकते हैं कि वाइल प्लेइंग विद इट द सन लॉस्ट इन लॉस्ट इट इन अ फुर देयर फोर ही क्राइड एट द लॉस, ठीक है जी। उसके बाद है व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 70, 70 साल की उम्र में उसकी क्या फीलिंग्स थी? द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू रिटर्न टू द प्लेसेज ही हैड लव्ड, ये हम कह सकते हैं जी। उसके बाद ही वॉन्टेड टू वर्क, टू स्मेल द डर्ट, टू डिग इट एंड टू सिफ्ट इट थ्रू हिज फिंगर्स, ऑल दी थिंग्स ही वॉन्टेड टू डू एट दैट एज। उसके बाद है जी वाई हैड द ओल्ड मैन प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन, तो उसने अपना सीक्रेट जो खुफिया बाग था क्यों लगाया था? तो हम कह सकते हैं कि ही वॉन्टेड टू रिफ्रेश हिज मेमोरीज, और ही वॉन्टेड टू रिटर्न टू प्लेसेज ही हैड लव्ड, और मोर ओवर ही बिलीव्ड दैट थिंग्स ग्रोन इन द न्यू लैंड एंड बेटर, मीन्स हम कह सकते हैं थिंग्स ग्रोन इन द न्यू लैंड हैड बेटर फ्लेवर, therefore he planted a farm on virgin land on the top of a mountain, तो ये जनाब इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। आप जो है इनमें कोई एडिशन भी कर सकते हैं और वर्ड्स चेंज भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही है इन सब क्वेश्चंस का, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।